ने एग्जामिनेशन कॉपी लेकर महत्वपूर्ण अपडेट निकाली है, सभी को ये पता होना चाहिए। उसके अलावा खासकर सभी कॉलेजों को लेकर अपडेट है, और बाकी जो छात्रों का एडमिट कार्ड को लेकर छात्र कन्फ्यूजिंग में, सर मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है या फिर नंबर शो नहीं कर रहा है, जो छात्रों के डाउट है एडमिट कार्ड को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं जो आप लोग कापी एग्जामिनेशन कापी उसको लेकर क्या अपडेट है, काफ़ी चेक हो रही है। देखिए यहाँ पे जो डेट वगैरह मेंशन है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें क्या मेंशन है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना विश्वविद्यालय सत्य जो एग्जाम्स हो रहा है परीक्षा केंद्र से छात्रों की परीक्षा यानी यहाँ जो आप लोग एग्जाम्स हुआ है उसकी जो परीक्षा के बाद जो कॉपी थी उपरांत जो उत्तर पुस्तिकाओं यह पैकिंग वो विश्वविद्यालय को प्रेषित की जा रही है, उन पर कंप्यूटर द्वारा जनरेट होने वाली पैकिंग स्लिप नहीं लगाई गई। जी हाँ, यानी जो जो कॉपी है जहाँ पैक की जाती है जहाँ से, और उसके बाद यानी चेक करने के बाद उसकी जो है क्या प्रिंट नहीं लगाई जाती पैकिंग स्लिप, और जिस कारण बंद पैकिंग व उत्तर पुस्तिकाओं का ब्यौरा नहीं मिल पाता है। इस कारण स्क्रीनिंग व स्कैनिंग में भी काफी कठिनाई आ जा रही है, क्योंकि पैकिंग स्लिप न होने के कारण बारकोड की अनुपस्थिति में और उत्तर पुस्तिकाओं का डाटा मिल नहीं पाता, जिसे छात्रों का रिजल्ट और भविष्य में खतरे में पड़ जाता है। रिजल्ट की छात्र को फेल, किसी छात्र को पास किया जाता है। कई कई छात्र ऐसे जो बाद में जो है वो बोलते हैं सर हमने ज्यादा लिखे तो नंबर कम आए हैं, और फिर चैलेंज डालते हैं तो नंबर बढ़ जाते हैं। हजारों हजारों संख्या छात्र ऐसे हैं। तो इसलिए ये इसमें क्या मिशन आपसे अनुरोध है कि कृपया उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर अनिवार्य रूप से पैकिंग स्लिप लगाया जाना सुनिश्चित करें। यानी जो कॉपी यहाँ उत्तर पुस्तिका पैक होती है उसमें पैकिंग स्लिप नहीं लगाए थे तो कॉपी जो है आ नहीं पाती स्कैनिंग में। तो इसलिए सभी कॉलेजों से अनुरोध किया जहाँ कॉपी चेक होती है पैक होती है एकेटीयू ने कि वहाँ पे क्या करें जो स्लिप है उसको लगाने की कोशिश करें, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और आइंदा के लिए ये जो कॉपी मार्किंग वगैरह में दिक्कत ना हो। अब आते हैं एडमिट कार्ड को लेकर छात्रों का कन्फ्यूजिंग है, मुझे लिख रहे थे बार बार, थोड़ा बिजी से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसमें स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है और कल कैरियर का एग्जाम है, बताओ क्या करें। एडमिट कार्ड देखिए, अगर आपका पहले वाला था, अगर आपने पहले ही डाउनलोड किया तो उसी से आप एग्जाम दे सकते हैं, और एडमिट कार्ड नहीं आया तो एक बार एग्जाम देने से पहले चेक कर लेना। जैसे मान लीजिए आपका मॉर्निंग में है तो 7-8 बजे चेक कर लेना, इवनिंग में है तो फिर 10-11 बजे चेक कर लेना, एडमिट कार्ड आ जाएगा, और नहीं आता तो पुराना एडमिट कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। और फिर भी एडमिट कार्ड नहीं आया तो अपने कॉलेज में चले जाना एग्जाम से पहले पहले, और बता देना वहाँ पे एग्जाम आपको देने जरूर दे दिया दिया जाएगा अगर स्लिप में वहाँ पे नाम होगा। उसके अलावा यहाँ प्रश्न पूछे सर अगर बैक पेपर में बैक आ जाएगा तो क्या 2 स्टार लगता है क्या, ये 2 स्टार क्या मतलब मैं समझा ही नहीं क्या कह रहा हूँ भाई। बैक पेपर में दोबारा बैक लगता है तो ऐसे स्टार फिस्टार कुछ नहीं लगता है। आप 2 बार 3 बार अगर बैक दिए क्लियर नहीं कर पाए, बट ये कि 2 बार 3 बार क्लियर कर लिए तो कोई स्टार स्टार नहीं है, आपकी मार्कशीट में सिंपल सा जो है पास लिखा होता है। हाँ, अगर आप की जो है बैक नहीं हटती है तब तक आपकी डिग्री मार्कशीट नहीं आती है। उसके अलावा कह रहे सर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया, बता चुका हूँ कल एग्जाम है, तो ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक बार बार इन्होंने कमेंट किया तो मैंने इनका कमेंट का रिप्लाई दे दिया हूँ। बाकी दोस्तों इस तरह कोई और डाउट आप कमेंट करिए, एक मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और अपलोड करने की, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेना। बाकी एग्जाम कॉपी वगैरह को लेकर अपडेट यही थी कि आपकी कॉपी जो जो है स्लिप वगैरह चिपकाने को लेकर एकेटीयू ने अनुरोध किया, ताकि छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ न हो और एडमिट कार्ड परेशान न हुए। पुराना एडमिट कार्ड है तो उसे एग्जाम दे सकते हैं, अगर पुराना नहीं है और नया नहीं आया तो पुराना चलेगा, और नया आ गया तो पुराना नहीं चलेगा, तो इसलिए नया वाला जरूर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कैसे डाउनलोड करना है एकेटीयू ऐप पर जाना है, वहाँ से एडमिट कार्ड सेक्शन में क्लिक करना, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें, मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें।